तू जितने सूफी उठा ले माजी के और तू आज के जितने पीर उठा ले, तू जितनी मैथ्स कर ले, तू जितने हिसाब किताब और रियाजत और नंबर के गेम खेल ले, इस धड़कते हुए सीने को अगर सुकून मिल सकता है ना तो वो मान जल अल्लाह कुरान हदीस के अलावा कोई और शय नहीं हो सकती। ये जो आसमान से उतरा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर खजाना है ना, इससे बाहर नहीं गेम हो सकती कभी। तू जितना दिमाग चला ले, साइंस पढ़ ले, तू मैथ्स पढ़ ले, तू दुनिया की बड़े बड़े ऐवानों में जाके इल्म हासिल कर ले, लेकिन जिस दिन तू इसके सामने आजिए बनाएगा ना, तेरे अंदर एक ऐसी सरदारी होगी तू सोच नहीं सकता। हमारे मदरसे के दूसरी क्लास के बच्चे के साथ भी दुनिया का PhD भी बात नहीं कर सकता। गलती हमारी यह है कि हमें अपना माल बेचना नहीं आया सही तरीके से, वरना ला तू अपने बड़े बड़े दुनिया के सरदार इल्म के। हमारा एक उस्ताद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा खोलेगा और मुंह बंद हो जाएंगे लोगों के, मगर इस इल्म की कदर नहीं की इस कौम। ये मदारिस कभी भी हराम माल कबूल नहीं कर सकते। अगर तू दौलत दे रहे इनको, इस अल्लाह ने तेरी दौलत को कबूल करवाया, इस मदरसे के अंदर हराम लग ही नहीं सकता कभी। अल्लाह ने जिंदा ही नहीं माना उस इंसान को जो आलिम नहीं है। दलील सुना, तू जितनी गुलाटियां मार ले मेरे भाई, तू जितने फलसफे पढ़ ले, मोतजलियों से लेके तू आज तक के जितने भी तू रॉबर्ट क्लॉक, तू ये क्रॉस को ले ले, तू रिचर्ड डॉकिंस को ले ले, तू जितने बड़े फलसफी आज के ले, तू जितने सूफी उठा ले माजी के और तू आज के जितने पीर उठा ले, ये हवाओं में और जमीन, ये हवाओं में बात घुमाने वालों के पास जितनी चला जा, तू जितनी मंतिक इस्तेमाल कर ले, तू जितनी मैथ्स कर ले, तू जितने हिसाब किताब और रियाजत और नंबर के गेम खेल ले, इस धड़कते हुए सीने को अगर सुकून मिल सकता है ना तो वो मान जल अल्लाह कुरान हदीस के अलावा कोई और शय नहीं हो सकती।